हम ठीक दिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन नहीं रहता। देखिए आप लोग से पूछते जाते हैं, आप लोग रिप्लाई देते जाइएगा। गांधी जी पढ़ा दिए थे, महात्मा गांधी को उपाधियां पढ़ा दिए थे, उपलब्धियां, रॉलेट एक्ट पढ़ा दिए थे, जलियांवाला बाग पढ़ा दिए थे, होम रूल आंदोलन पढ़ा दिए थे, भेटी कर लो मिल लो कि जा रही हो, खिलाफत आंदोलन, आज पढ़ाएंगे अगस्त प्रस्ताव की पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा खासा हिस्ट्री निपटा दिए हैं, आप लोग देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अरे तुम लोग शांति रहो, नहीं समझ में आता इधर आकर बैठ जाओ तुम लोग भी। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ जी? 1940। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ देने से इनकार कर दिया, वो साथ देने से इनकार कर दिया, के साथ देने से इनकार कर दिया था भारतीयों ने, ठीक है, कर दिया। तब अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ में लाने के लिए वायसराय, वायसराय के मतलब गवर्नर, लिनथिगो, लिनथिगो एक गवर्नर था जो बहुत अच्छा शासक था, शासक ही कहते थे पहले गवर्नर को, किसके नजर में अच्छा था? अंग्रेज की नजर में। जैसे कि अभी कभी होता है, खराब व्यक्ति जानता है कि कौन अच्छा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति जानता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, लेकिन अच्छा व्यक्ति ही नहीं जान पाता कि आप खराब हैं, समझ में आया? हमेशा याद रखिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया, इसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी। मैंने वो अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, सीधी सी बात है, 8 अगस्त 1940 को लिनथिगो अंग्रेज के वायसराय माने गवर्नर क्यों आया था? भारतीयों को मनाने के लिए। आया प्रस्ताव क्यों आया था? भारतीयों ने अंग्रेज को साथ नहीं दिया था, किस में? द्वितीय विश्व युद्ध में। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात इसमें नहीं है भाई। इसमें कहा गया था अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों अंग्रेजों के साथ देता तो हम उनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे। डोमिनियन स्टेट समझते हैं, उसे खंडित में या आजादी के रूप में, आजादी के रूप में छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा भाव, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी, परिषद में क्या भाव, जैसे कि अभी होता है सांसद, जैसे कि पहले 10 गो रहता था अंग्रेज, मतलब 10 गो नौकरी सीट है, उसमें 8 गो चाहे 9 गो के रहता था अंग्रेज, आए गो भारतीय, तो उसमें क्या करेगा, भारतीयों की जनसंख्या में वृद्धि कर देगा। तीसरा वो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार किया जाएगा, मैंने बोला डोमिनियन स्टेट देंगे, उससे परिषद में जनसंख्या बढ़ेगा और अपना संविधान भी लिखाने का अनुमति दे दिया जाएगा। चौथा वो अगस्त प्रस्ताव असफल रहा, इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अगस्त प्रस्ताव क्या रहा? फेल रहा। इसका रिप्लाई महात्मा गांधी क्या चीज दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव, सबको प्रस्ताव समझ में आ गया? 8 अगस्त 1940 क्यों हुआ था? भारतीयों ने अंग्रेज को द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं दिया, कोई दिक्कत। फिर कौन सा वायसराय आया था? लिनथिगो, लिनथिगो, लिनथिगो था, लिनथिगो, कोई दिक्कत। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या भाव? इसका रिप्लाई क्या दिया महात्मा गांधी? एम जी महात्मा गांधी। दूसरा दूसरा टॉपिक क्या है भाव? महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या हुआ था? 1940 में 7 अक्टूबर 1940। क्या वो 17 में यहाँ 7 है, 17 अक्टूबर 1940 को वो, कोई दिक्कत। गांधी जी ने महाराष्ट्र नामक स्थान से व्यक्तिगत, सीधे सीधी बातें वो, महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? महाराष्ट्र से। कहाँ से स्टार्ट किया था वो? और कौन सा वो? पवनार से। महाराष्ट्र में एक नगर है पवनार नगर, महाराष्ट्र पड़ता, कोई दिक्कत, वहां से स्टार्ट किया था। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, इसका महात्मा गांधी क्या किया था? स्टार्ट किया था। क्या वो? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी। अब वो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था, प्रथम क्या था वो? विनोबा भावे। दूसरा वो सत्याग्रही पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बहु बगदत, क्या था वो? बगदत ने ब्राह्मण दत्त था, ब्राह्मण दत्त।
कोई दिक्कत? शॉर्टकट में लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग को थोड़ा ज्यादा कम समय में ज्यादा पढ़ा पाए। विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बगदाद, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो? इस आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन माने बहु व्यक्तिगत आंदोलन को क्या कहते हैं बहु? दिल्ली चलो का भी आंदोलन कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। हुआ था कब? 17 अक्टूबर 1940 को। क्या हुआ था बहु? किसी को नहीं पता। व्यक्तिगत सत्याग्रह समझते हैं, पहले व्यक्तिगत मतलब समझते हैं। व्यक्तिगत पड़ोसन की बेटी भाग के शादी कर गई, व्यक्तिगत बातें हैं कि उसका खुलासा हम लोग कहीं और नहीं करेंगे, व्यक्तिगत समझाया। तो इसी व्यक्तिगत आदमी खत्म हो गया आपके अंदर, ठीक है, समझाया बोल। चलिए ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आते वो क्रिप्शन प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव क्या आते वो? क्रिप्शन बोलते हो हम लोग। ये कब हुआ था बहु? 1942 मार्च 1942। कोई दिक्कत? देखिए बातें समझ में आ रहा, यहां समझ में आ, यहां समझ आए, यह समझ में तीसरा आता, ठीक है। देखिए बहु, द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय से सहयोग प्रस्ताव करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव किया गया था। इसमें भारतीयों को आगे यह प्रस्ताव रखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों का स्वतंत्रता दी जाएगी, माने आजादी दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीय की संख्या बढ़ा दी जाएगी और काउंसिल का गठन किया जाएगा, इसको बोलते चुनाव बहु। कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, गांधी जी इसे पोस्ट डेट चेक कहते वो, पोस्ट डेट चेक कहते थे, कहा जाता है वो। जवाहरलाल नेहरू ने उसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया। क्रिप्स प्रस्ताव अंत असफल रहा, माने बोला बहु जैसा कि बहु अंग्रेज ने अगस्त प्रस्ताव में जो कंडीशन रखा था भारतीयों को, ठीक वही बहु क्रिप्स प्रस्ताव में रखा गया काउंसलिंग, माने बहु यहां पर चुनाव कराया जाएगा, संविधान लिखा जाएगा, जनसंख्या बढ़ा दी जाएगी, ये भी क्या रहा? असफल रहा। तो बहु क्रिप्स प्रस्ताव को हम लोग अगस्त प्रस्ताव से सेम मैच कर सकते हैं, डेट फर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत? महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? डेट ऑफ चेक, ठीक है, डेट ऑफ चेक कर सकते बहु। और जवाहरलाल नेहरू से कैसे जुड़ा था? बैंक से एक शब्द से जुड़ा था और कुछ से नहीं जुड़ा था, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी की दिक्कत? अब आते हैं बहु भारत छोड़ो आंदोलन। क्या आते बहु? कब हुआ था ही? 8 अगस्त 1942। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की। रूपरेखा में समझते हैं, रूपरेखा मतलब प्रोग्राम, समझ में आया? प्रोग्राम भी समझना है तो फील्डिंग। देखो बहू, आप लोग एक बार में हार जाते हैं तो असफल हो जाते हैं, थक जाते हैं। कभी पूछे यूपीएससी जो अटेंड करता है, सो यूपीएससी अटेंड करता है, बोलता है कोई छठा अटेम्प्ट था, कोई पांचवा अटेम्प्ट था। कोई एक बार नेता देखो हार जाता है तो दूसरा बार लड़ता है, और आप लोग एक बार फेल हो गए नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी थर्ड आए थे और भी इंग्लैंड पढ़ गए थे, उसका रेटिंग उन्हीं को, उनका रेटिंग उन्हीं को समझ में नहीं आता था। एगो लेटर लिखे थे इंग्लैंड के गवर्नर को, समझे में आया क्या लिखा, गवर्नर उसको बुला के पूछा, समझ में आया? इतना भद्दा रेटिंग, तो थर्ड ना आएंगे, समझ में आया? आ तुम लोग एक बार फेल कर जाते, थर्ड कर जाते, रोते रोते घर से बाहर निकलते। रिजल्ट कभी नहीं आपको बता सकता कि आप कितना बुद्धिमान है। न्यूटन को देखे हैं, आज तक पास नहीं होता था, उसको क्लास से भगा दिया था न्यूटन को, समझ में आया? अरे बाबू फिजिक्स पढ़ना, सुनिए फिजिक्स पढ़ना कितना आसान होता, सेव के जगह सेव के घास गिर जाता होगा पर ही, तो समझ में आया? न्यूटन ही निकल देता, इसीलिए कहते आप लोग थकिए मत, हारिए मत, समझ में आया? तो ये देखिए महात्मा गांधी यहाँ फेल किए, यहाँ भी फेल किए, अभी क्या मांग गया भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 प्रोग्रामिंग,
माने बहुत दिनचर्या या रूटीन सब किसको दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको दिया बहु? पंडित जवाहर नेहरू को दिया बहु। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं। द्विधारी तलवार से मतलब समझते हैं आगे कुआं पीछे खाई, दोनों दल धारो, क्या बहु? ठीक उसी प्रकार से पत्नी भी अच्छी हो और साली उससे भी ज्यादा अच्छी हो, द्विधार समझा? एकदम सटीक माइंड से। देखिए आगे क्या बोला, इस आंदोलन 8 अगस्त 1942 मुंबई से ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेज ने ऑर्गेनाइजेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन नेत्रविहीन हो गया था। देखिए बहु, ये जो स्टार्ट था भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बहु? भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट होना था बहु? ऑर्गेनाइजेशन जीरो आवर, क्या बहु? सॉरी नहीं, ना ना, ग्वालियर, मुंबई के ग्वालियर से ये स्टार्ट कहां होना था बहु? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से क्या होना था? स्टार्ट होना था अंग्रेज ऑल नेताओं, क्या बहु? ऑल लीडर्स, नेता लिखे थे, ठीक है, कैसे करनी है? नेता को किसके तहत गिरफ्तार कर लिया? ऑपरेशन जीरो, JDR जीरो आवर, आवर के तहत सभी नेताओं क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब नेता को गिरफ्तार कर लिया, इसको चलाने वाला कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? विहीन। विहीन का मतलब समझते हैं बहु? नेत्र विहीन, उसको चलाने वाला कोई नहीं हो। अभी हम बोल दे एसएम क्लासेस के फाउंडर हम है और हमारा कल एक्सीडेंट में जो गाड़ी में बैठे पूरा गाड़ी ला मर जाए, हमें कुछ ना होगा? फिर की सोचा होगा, पक्का भैया चल दिए, आप तो सोच लिए पक्का गाड़ी के एक्सीडेंट। तो हम कब बोले हमारा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हमारा कुछ हो गया पूरा हम जाने वाले नहीं है, ठीक है? ऊपरों से अजियाक हमको भेज दिया होगा, जा तू वजह रहना। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मने बहु, भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, लेकिन गुप्त रूप से, क्या बहु? मदन मोहन मालवीय, MMM, क्या बहु? मदन मोहन मालवीय ने गुप्त रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कोई दिक्कत? इस आंदोलन का नेतृत्व किया महामना कहा जाता है बहु, इस क्या बहु? महामना, क्या बहु? महामना, इसका नेतृत्व कोई भी कर सकता था उस टाइम, क्या बहु? कोई भी कर सकता था, क्योंकि ये नेत्रविहीन था। अभी तुम लोग को पता चल जाए गांव में एक मुर्गा आया, सब उसको दौड़े ले चलेगा, दौड़े चलेगा? कोई नहीं दौड़ाएगा, क्या बहु? कोई नहीं दौड़ाएगा, कोई दौड़ाएगा? अगर पता चले वो मुर्गा सोना अंडा दे रहा, सब दौड़ाएगा? मुर्गा अंडा देता है सब बोला हाँ दौड़ाएंगे, तो मुर्गा अंडा देता है जी, तो नहीं भी तो नहीं बोली उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया, हाला नहीं, उषा मेहता ने इसे रेडियो पर क्या किया? प्रसारण कर दिया, प्रचार कर दिया, ठीक है बहु? राजेंद्र प्रसाद को पटना के बाकेपुर जेल में गिरफ्तार कर लिया बहु, क्या बहु? राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है बहु? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में डाल दिया गया, राजेंद्र प्रसाद पटना हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में, ठीक है? महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आग खो फैसले मैंने आंखें खोल दिया फैसला, क्या बहु? खा पैलेस गिरफ्तार कर लिया गया। देखो बहु, महात्मा गांधी को पहला बार गिरफ्तार किया गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन पहला क्यों गिरफ्तार किया गया था अभी हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्करण की तैयारी कर ली थी, जिस कारण से गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया, अंतिम संस्कार, ठीक है? अंतिम संस्करण, अगर कोई बोले कि हम मर जाएंगे, आप उसको बोलिए नहीं 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 मरो, तुम्हारा बाल बच्चा के देखेगा? वो फिर बोलेगा हम मर जाएंगे, उसको कान में बोलो अभी नहीं, सब आदमी जाने दो तो तुम मर जाना, वो पूरा तुमको गौर से देखेगा, हम मरेल बनाता हमको,
सिंपल सी बात है, कोई सीधे बच्चा बोलता है ना लंटेन में देखे है, बारह पकड़ता बच्चा लंटेन, लंटेन वाला से भेड़िए कर दो, डरेगा ना दूसरा बार बार हुआ कभी ना छुएगा उसको। एक बच्चा था यहाँ पर अमरुद तोड़ रहा था, ठीक है यहाँ बगल में, वो डेली तोड़ता था, हम डेली देखते थे। एक दिन क्या कस कर उठा दिए, अब वो अमरुद भी ना उठा रहा, नहीं इधर आ रहा, खाली भैया भैया चिल्ला रहा है, समझना गया। कभी भी किसी को सहानुभूति मत दीजिए, मरिए मत, मर जाओ, इतना बड़ा धरती है, तू मर जाएगा धरती रुकेल बंद हो जाएगा, चांस तो मर जाओ, किसी के बिना कुछ बिगड़ता नहीं उसको मत रोके। हाँ जैसे भाई चाहे आप लोग 10 लाख रुपए कर्जा ले ले हैं, वो कर्जदार सोचेगा तुम 10 साल ज्यादा जियो हमरा से, पैसा दे के मरना, ठीक है। कर्जदार जो होता है कि आपको चाहता है कि आप ज्यादा दिन जिंदा रहे, और कोई नहीं चाहता माँ आपको छोड़ के, माँ आपको खुद बोलना किसी ने। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा लगाया था, 9 अगस्त 1945 को महात्मा गांधी, कौन सा नारा, करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहा जाता है, अगस्त का क्रांति भी कहा जाता है, कोई दिक्कत। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना का जिला अधिकारी आर्यस गोली चलवा दी। आर्यस क्या किया, गोली चलवा दिया था, किन पर, विद्यार्थी पर, क्या किया था, झंडा आंदोलन किया था, ठीक है क्या, हाँ क्या, ठीक है आप सुनिए, जिसमें बहुत 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। मैंने बहुत जब उद्देश्य गुलाम था जिला अधिकारी पर, वहां पर पटना में जो झंडा फहराया था उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 विद्यार्थी क्या हो गया, शहीद। इन्हें बोलेगा 7 विद्यार्थी मारे गए, शहीद हो गया, मतलब गुलाम थे मरे शहीद कहलाएंगे, समझाया। इस घटना को सचिवालय हत्या घटना हत्याकांड कहा था, सचिवालय हत्याकांड कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय हत्याकांड हुआ था, कोई दिक्कत। इस आंदोलन के दौरान बलिया से चेतू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया, नाना पाटिल ने महाराष्ट्र से कर दिया। बहु आप देखिए ये सब तो सब अपना अपना, जे भी लड़ा बहु सब अपना अपना स्वार्थ के लिए सिस्टम लड़ा, जे भी लड़ा क्या लड़ा, सब स्वार्थ के लिए लड़ा। देश तो कब का आजाद हो जाता, देश कब का आजाद हो जाता, कभी मेला गए आप लोग, कटघोड़िया घुराने वाला 2 घोड़ा था, चढ़ने वाला क्या रहता, फिर भी उसका भाव हम लोग सुनते हैं, का है गुलामी ला जिंदगी, का है सुनेंगे भाई, 10 टिकट छीन लेंगे, समझ में आया, ऐसे भी अब बंद करना पड़ेगा। चलो ठीक है पढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बेबेल योजना, अब होगा बंगाली डीजे चालू।